जियोटेक ट्रेनिंग एकेडमी की इस वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट सेंसर्स के हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स के बारे में। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट सेंसर्स के बारे में, जो कि वीआरएस टाइप के सेंसर्स थे। उन सेंसरों की कैसे हम टेस्टिंग करते हैं, कैसे हम डायग्नोस करते हैं। आज की वीडियो हमारी होगी क्रैंकशाफ्ट सेंसर के हॉल इफेक्ट सेंसर्स की, जो थ्री वायर सेंसर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जैसे कि ये हमारा क्रैंकशाफ्ट सेंसर है, जिससे हमें इंजन की स्पीड पता लगती है, हमें आरपीएम पता लगता है, और क्रैंकशाफ्ट सेंसर से हमारे मिसफायर का डायग्नोस भी होता है। जब हमारा क्रैंकशाफ्ट की स्पीड कम हो जाती है, इंजन कंप्यूटर उसे मेजर करके पता कर लेता है कि हमारे कौन से सिलेंडर ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है, और वो हमारा मिसफायरिंग सिलेंडर हो जाता है। जैसे कि हमने आपको क्रैंकशाफ्ट की पिछली वीडियो में भी बताया था, ये जो क्रैंकशाफ्ट का रिलक्टर व्हील होता है, इससे हम सिग्नल पिक करते हैं। ये सेंसर जो हमारा क्रैंकशाफ्ट सेंसर है, ये सिग्नल पिक करके ईसीएम को सिग्नल सेंड करता है, और ईसीएम उस सिग्नल को, वो इनपुट को यूज करके हमारी इंजेक्शन और इग्निशन कंट्रोल में सहायता करता है, कंप्यूटर इंजन मैनेजमेंट में मदद करता है। जो हमारी आज की वीडियो है, हम बात करेंगे हॉल इफेक्ट सेंसर के पुल डाउन सेंसर टाइप की। हमारा क्रैंकशाफ्ट जो सेंसर है वो दो टाइप का होता है, टू वायर एंड थ्री वायर। टू वायर सेंसर है वो वीआरएस सेंसर है, जो थ्री वायर सेंसर है वो हमारा हॉल इफेक्ट सेंसर है। पर जो हॉल इफेक्ट सेंसर है, आज हम उसकी भी आगे दो और टाइप्स हैं, जो है पुल डाउन और पुल अप। आज हम बात करेंगे सिर्फ पुल डाउन टेस्टिंग की। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इस वायरिंग डायग्राम में हमारे पास दो सेंसर हैं, कैम और क्रैंक, और दोनों सेंसर्स थ्री वायर सेंसर्स हैं, 1, 2, 3। पहली हमारी 5 वोल्ट है, जहां पे हमें दिया गया है वायरिंग डायग्राम में। तो ये है हमारी फीड वायर, ये है हमारी ग्राउंड वायर, क्योंकि हमारे पास यहां है ग्राउंड, और ये जो है सिंबल, ये है ट्रांजिस्टर का सिंबल हमारे। ये कोई भी ट्रांजिस्टर हो सकता है, पीएनपी, एनपीएन, वो हमें इस अभी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे डायग्नोज में काम नहीं आएगा। पर ये जो है हमारी वायर, जो फीड और ग्राउंड को छोड़ के बची है, वो है हमारी सिग्नल वायर। आज हम टेस्ट करेंगे जो पुल डाउन टेस्टिंग है, उसमें सिग्नल वायर कैसे काम आती है और कैसे चेक कर सकते हैं उस वायर को। चलिए देखें। सो जो हमारी पुल डाउन टेस्टिंग के लिए सेंसर होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे कि हमें कैसे पता, आपको कैसे पता लगेगा कि ये पुल डाउन और पुल अप सेंसर है। आप जब किसी गाड़ी पे काम करेंगे, क्रैंकशाफ्ट सेंसर को चेक करेंगे, वो थ्री वायर है, आपको पता लग गया कि वो हॉल इफेक्ट सेंसर है, वो वीआरएस सेंसर नहीं है। अगर ये हॉल इफेक्ट सेंसर है, अब आप हॉल इफेक्ट सेंसर से कैसे पता करेंगे कि वो पुल अप है और पुल डाउन सेंसर है? उसका बहुत ही एक आसान तरीका है। अगर आप सेंसर को डिसकनेक्ट करें, और ये है आपका कनेक्टर की साइड, जो आपकी कनेक्टर की साइड है, मैं आपको इसमें दिखा दूं, ये आपकी कनेक्टर की साइड है। अगर आप सेंसर को डिस्कनेक्ट करें, हमारा सेंसर यहां पे है, हम उसे नहीं यूज कर रहे, ये हमारा कनेक्टर है। अगर आपके पास वायरिंग डायग्राम है, आप पता कर सकते हैं कि हमारी 5 वोल्ट रेफरेंस की जो पावर फीड है वो कौन सी है, हमारा ग्राउंड कौन सा है, और हमारा सिग्नल कौन सा है। पर अगर आपके पास वायरिंग डायग्राम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इससे मल्टीमीटर यूज करके, मल्टीमीटर की जो लाल तार है वो आप पहले टर्मिनल पे लगाएंगे, जो काली तार है वो बैटरी की ग्राउंड पे लगाएंगे। पहले आप इस तार को देखेंगे, की ऑन इंजन ऑफ, सो गाड़ी ऑन कंडीशन में होगी, इग्निशन ऑन होगा, तब आप इसकी 5 वोल्ट पावर फीड चेक करेंगे। अगर इसकी 5 वोल्ट पावर फीड है, यानी कि सेंसर को उसकी पावर आ रही है। मैं आपको बता दूं, हर गाड़ी में पावर फीड 5 वोल्ट नहीं होगी, किसी किसी गाड़ी में 7 वोल्ट भी होगी, किसी किसी गाड़ी में 12 वोल्ट भी होगी। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी की गाड़ी है, पर ज्यादातर 80% गाड़ियों में 5 वोल्ट पावर फीड ही होती है। तो पहले हमने चेक किया हमारे पहले टर्मिनल में कितनी पावर आ रही है, अगर वहां पे हमारी आ रही है 5 वोल्ट, तो हमारे पास फीड बिल्कुल ही ठीक है। हम चेक करेंगे सेकंड वायर। अब सेकंड वायर जो हमारा जो सेकंड टर्मिनल है, वो हमें बताएगा कि ये पुल अप डिजाइन है या ये पुल डाउन डिजाइन है।
सो ये पुल अप या पुल डाउन डिजाइन है, हमें ये बताएगा अगर आपने सेंसर डिस्कनेक्ट किया और यहां पे आए 5 वोल्ट तो ये है हमारा पुल डाउन डिजाइन। सो होता क्या है कि हमें कंप्यूटर 5 वोल्ट सप्लाई करता है और सेंसर का जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है वो उसे ग्राउंड कर देता है, जो इसे हम पुल डाउन डिजाइन कह रहे हैं, क्योंकि सेंसर ईसीएम की सिग्नल फीड को लेके ग्राउंड कर रहा है, वो उसे पुल डाउन कर रहा है इन अ पुल डाउन फैशन, तो हम इसे पुल डाउन कह रहे हैं। और जो लास्ट वायर है ये हमारी बची ग्राउंड वायर, इसे हम मल्टीमीटर की काली तार यहां पे लगाएंगे लास्ट पिन पे, और लाल तार लगाएंगे लास्ट पिन पे और काली तार लगाएंगे हम बैटरी ग्राउंड पे। ये जो हमारा ग्राउंड है ये लेस देन 100 मिलीवोल्ट होना चाहिए, अगर ये मोर देन 100 मिलीवोल्ट है तो वो है हमारा ग्राउंड इशू। हम पहले उसे ठीक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा सेंसर ठीक है कि नहीं। अगर आपका ग्राउंड मोर देन 100 मिलीवोल्ट है तो वो जो 100 मिलीवोल्ट मोर देन 100 मिलीवोल्ट है वो बैक फीड करेगा हमारे सिग्नल वायर में और हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और सिग्नल आउट ऑफ रेंज चले जाएगा, तब आपके पास कोड आ जाते हैं सेंसर सिग्नल आउट ऑफ रेंज के इशू। पर हम अब हमने चेक कर लिया कि यहां 5 वोल्ट है या 0 वोल्ट, अगर आपके पास यहां 5 वोल्ट आते हैं सिग्नल वायर में तो वो है हमारा पुल डाउन डिजाइन। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पुल डाउन डिजाइन चलता कैसे है और इसका सर्किट कैसे होता है। मान लीजिए कि ये हमारा कैमशाफ्ट सेंसर है या क्रैंकशाफ्ट सेंसर है और ये है हमारा ईसीएम, ये 3 वायर हॉल इफेक्ट सेंसर है। सो इस पुल डाउन डिजाइन में पुल डाउन, सो जब भी आप गाड़ी पे काम कर रहे हो आपने कंफर्म कर लिया है कि ये पुल डाउन या पुल अप डिजाइन है, आपने बिल्कुल ऐसे ही टेस्टिंग करनी है और आपकी डायग्नोजिंग और टेस्टिंग कभी गलत नहीं जाएगी। ये हमारा ईसीएम पुल डाउन डिजाइन में, ये है हमारा आईसी सर्किट। आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। हमारा जो क्रैंक और कैम का हॉल इफेक्ट सेंसर होता है इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है, कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है, आप ट्रांजिस्टर को एक स्विच भी कह सकते हैं, ओपन और क्लोज करता है। सो ये वो ट्रांजिस्टर है और इसकी एक लैग ईसीएम ग्राउंड पे होती है। ये है हमारी यह है हमारी 5 वोल्ट रेफरेंस फीड जो हमारी कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है, चाहे 5 चाहे 7 या 12, जैसे भी आप किसी भी गाड़ी पे काम कर रहे हो उस पर ये डिपेंड करता है कि ये 12 है 7 है या 5 है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर पुल डाउन डिजाइन में सिग्नल भी सेंड करता है जो होता है 5 वोल्ट 7 वोल्ट या 12 वोल्ट का, और यहां एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर होता है कि अगर ये वायर शॉर्ट हो जाए तो हमारे कंप्यूटर को डैमेज ना हो। तो होता क्या है, इस सेंसर में हमारा ये जो सेंसर है ये हमारा रिलक्टर, ये रिलक्टर है हमारा जहां से हमने सिग्नल पिक करना है, ये हमारा सेंसर है। जब हमारा कैमशाफ्ट या क्रैंकशाफ्ट का रिलक्टर घूमेगा हमारे पास ईसीएम 5 वोल्ट इस तरफ ले रहा है, तो इस पॉइंट पर जो हमारा ये आईसी सर्किट है जो हमारा क्रैंकशाफ्ट सेंसर का फीड वायर है हमारे पास यहां आ जाएंगे 5 वोल्ट जब हम गाड़ी को क्रैंक कर रहे हैं, यहां हमारे पास होंगे 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट यहीं रहने चाहिए जब आप क्रैंक कर रहे हो, 5 वोल्ट हमारे 4.5 या 4 नहीं होने चाहिए। और इस वायर पे कंप्यूटर हमें 5 वोल्ट सिग्नल वायर पे भी दे रहा है पुल डाउन डिजाइन में, और ये 5 वोल्ट हमारे यहां आके रुक जाएंगे यहां पर क्योंकि हमारा ये सर्किट अभी ऑन नहीं हुआ है। जब यहां मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बेस सर्किट ये आईसी ये ट्रांजिस्टर है ये जब ये बेस सर्किट अप्लाई करेगा ये 5 वोल्ट यहां से होकर ग्राउंड हो जाएगा,
सो ये 5 वोल्ट जो सिग्नल वायर में था ये बन जाएगा जीरो। जब वो दांत वहां से मूव हो जाएगा तो ये दोबारा 5 वोल्ट पे चले जाएगा। ये हॉल इफेक्ट सेंसर 50 50 50 50 की स्केयर वेव इसी तरीके से प्रोड्यूस करता है, जो कि कंप्यूटर जो हमारा ईसीएम है वो 5 वोल्ट, जो हमारा ईसीएम है वो 5 वोल्ट प्रोवाइड करता है सिग्नल वायर पे, और 5 वोल्ट प्रोवाइड करता है हमारी फीड वायर पे, और सेंसर उस 5 वोल्ट को ग्राउंड करके जीरो कर देता है, तब हमारा स्केयर वेव सिग्नल पुल डाउन डिजाइन में जनरेट होता है। आपको हम इस डायग्राम में दिखाते हैं, जैसे कि ये है, ये मैंने लैब स्कोप से एक वेव फॉर्म ली है। आप देख सकते हैं कि ये एक 0 to 5 वोल्ट स्केयर वेव फॉर्म है। ये बिल्कुल उसी तरीके से बनी है जैसे मैंने आपको पुल डाउन डिजाइन टेस्टिंग में अभी समझाया है। हमारे पास यहाँ लाइव सेटअप है, हमारे पास यहाँ क्रैंक सेंसर है जो कि पुल डाउन टेस्ट डिजाइन का है। हम आपको लाइव उसमें टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि हमने कैसे ये सेंसर वेवफॉर्म जनरेट करता है और ईसीएम को देखने में क्या मिलता है। मैं आपको हमारा सेटअप दिखा दूं, तो ये है मेरा 3 वायर हॉल इफेक्ट पुल डाउन डिजाइन सेंसर। ये है मेरे बैटरी जो कि 12 वोल्ट सोर्स है मेरा। ये है मेरा वेरिएबल रेजिस्टर, क्योंकि ये सेंसर मैं 5 वोल्ट, ये सेंसर जौन सी गाड़ी से है वो 5 वोल्ट फीड देती है। सो मैंने उस 12 वोल्ट को स्टेप डाउन करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज किया है। सो वेरिएबल रेजिस्टर को मैं 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, एक ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो अपने सिग्नल वायर से 5 वोल्ट इस सेंसर को प्रोवाइड कर रहा है। सो हमारे पास 5 वोल्ट है सेंसर को काम करने के लिए, हमारे पास एक गुड ग्राउंड है जो मैंने यहां अटैच किया हुआ है, और ये है मेरे सेंसर की सिग्नल वायर जो मैंने अपने लैब स्कोप या आप मल्टीमीटर कह सकते हैं उससे कनेक्ट की हुई है। ये जो सिग्नल वायर है ये सेम वायर कंप्यूटर को जाती है, तो मैं आपको दिखाता हूं कंप्यूटर उसे कैसे देखता है सिग्नल को जब क्रैंकशाफ्ट या कैमशाफ्ट घूमती है और सेंसर उस सिग्नल को पिक करता है। तो ये है मेरे पास एक स्पैनर जो कि एक रिलक्टर, जो हमारा रिलक्टर है उसका काम करेगा, और सेंसर मेरे पास है। जब मैं ये स्पैनर उस सेंसर के पास से निकालूंगा हमारे पास वो स्केयर वेव बन कर आएगी। ये 0 to 5 स्केयर वेव नहीं होगी क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो उतना अच्छा नहीं है जैसा हमारे ईसीएम गाड़ी के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, पर आपको वो ही देखने को मिलेगा जो इसे मैंने आपको समझाया। अगर मैं इसे सेंसर के पास से मूव करूं तो हमारे पास एक स्केयर वेव रेडी बनती है जो कि आप यहां देख सकते हो। ये सेम स्केयर वेव ईसीएम देखता है और ये सेम स्केयर वेव है जो ईसीएम देख रहा है, जो आप इस टाइम देख रहे हो उस लैब स्कोप पे। ये वही है जो पहले हमारे पास, अगर हम इसे 5 वोल्ट मानकर चलें तो हमारा ये यहां 5 वोल्ट है, जब मैं उसे स्पैनर को मूव कर देता हूं वो 0 वोल्ट हो जाता है, वो 5 होता है, वो 0 हो जाता है। जिस सेम जो हम यहां देख रहे हैं ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही गाड़ी में होता है। हम आपको दिखाएंगे गाड़ी पे लाइव टेस्टिंग करके कि गाड़ी पे आप मल्टीमीटर से इस सेंसर को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं वर्कशॉप में इसे कैसे टेस्ट करें। हमारे पास है निसन की गाड़ी, और अब हम आपको दिखाएंगे कि मल्टीमीटर से हम कैम और क्रैंक सेंसर को कैसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कैम सेंसर है, पर जो क्रैंक सेंसर है, जो 3 वायर हॉल इफेक्ट क्रैंक सेंसर है, वो भी बिल्कुल सेम ही टेस्ट होगा। पहले हम पता करेंगे कि ये कैम सेंसर
जो हॉल इफेक्ट कैम सेंसर है ये पुल अप डिजाइन है या पुल डाउन डिजाइन है। हम गाड़ी की की ऑन करेंगे, हमारी गाड़ी की ऑन है, हम सबसे पहले उसके पहले टर्मिनल को चेक करेंगे और देखेंगे यहां पे कितनी वोल्टेज आ रही है हमारे पास। ये हमें दिखा रहा है 5 वोल्ट, दूसरे में देखेंगे ये दिखा रहा है हमें 0 वोल्ट, और तीसरे में देखेंगे ये दिखा रहा है हमें 5 वोल्ट। सो हमारे दो टर्मिनल्स में हमारे पास 5 और 5 वोल्ट है। सो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, अगर हमारे पास सेंसर की 3 टर्मिनल्स में 2 टर्मिनल्स पे 5 वोल्ट हो, ये हमारा पुल डाउन डिजाइन हॉल इफेक्ट सेंसर है। इसमें हमारा कंप्यूटर ही हमें 5 वोल्ट फीड वायर दे रहा है और कंप्यूटर ही हमें 5 वोल्ट सिग्नल 5 वोल्ट फीड दे रहा है, जो कि सेंसर उसे ग्राउंड कर देता है और वो 0 to 5 वोल्ट स्केयर वेव बनाता है। सो यहां पर हमारी ये जो पहली वाली वायर है 5 वोल्ट, ये है हमारी पावर फील्ड फीड, और ये जो लास्ट वाली वायर है ये है हमारी सेंसर की सिग्नल वायर जो कि कंप्यूटर से आ रही है और सेंसर इसे ग्राउंड करेगा। हम आपको अब बताएंगे कि कैसे चेक करेंगे कि ये सेंसर ठीक है या नहीं। हम सेंसर की सिग्नल वायर को बैक प्रोब करेंगे। चेक करेंगे कि वहां पे हमारे पास 5 वोल्ट आ रही है कि नहीं। हमारे पास 5 वोल्ट आ रही है और अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा कैमशाफ्ट सेंसर चल रहा है तो ये 5 वोल्ट चेंज होकर 3 वोल्ट के लगभग आ जाएगी, क्योंकि 0 टू 5 वोल्ट की जो स्क्वेयर वेव है हमारा मल्टीमीटर उसकी एवरेज दिखाएगा यहाँ पे, और 0 टू 5 वोल्ट की एवरेज ऑलमोस्ट 3 वोल्ट के नजदीक आएगी। वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंजन की स्पीड पर डिपेंड करता है। गाड़ी स्टार्ट, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास लगभग 3 वोल्ट के पास वोल्टेज आ रही है, यानी कि हमारा 0 टू 5 वोल्ट स्केयर वेव बन रहा है और मल्टीमीटर उसकी एवरेज हमें शो कर रहा है। हमारा कैमशाफ्ट सेंसर चल रहा है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा सेंसर कैसे चलता है, हमारा क्या हमारा कैमशाफ्ट सेंसर सिग्नल जनरेट कर भी रहा है या हमारा कैमशाफ्ट सेंसर उस सिग्नल को ग्राउंड कर रहा है कि नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने आपको दिखाया कि सेंसर कैसे काम करता है, उसको लैब्सकोप पे कैसे टेस्ट करते हैं, मल्टीमीटर के साथ कैसे टेस्ट करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम आपके पास ऐसी बेहतरीन वीडियोस फिर लाएंगे। शुक्रिया।